जिस तरह से यासिर पिछली बार एक लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री बीजेपी को वहां थी, और अगर हम वहां की तमाम 129 सीटें या जो 127 सीटें हम लोग साउथ की बोलते हैं उसमें से 29 सीटें जो बीजेपी को मिली थी उसमें से 25 सिर्फ उस राज्य में से मिली जहां आप हैं, तो वहां इस समय का माहौल क्या है? क्योंकि जिस तरह से जीत के आई है कांग्रेस, और खास तौर से मुझे ये लग रहा है, अलग अलग लोग जरूर कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर में जो बच्चों को लेकर बयान दिया, जिस तरह से कहा कि आपकी संपत्ति उनको देना चाहते हैं, इन सब पर उत्तर भारत के कई जगहों में नजर हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा जो उनका टारगेट है, जो उनका वोटर्स जिसको वो उसको तैयार करना चाहते हैं कि वो भारी संख्या में निकले और जीत के लिए आगे बढ़े, वो साउथ है, वो कर्नाटक है, जहां हिजाब से लेके आप देखेंगे अभी हनुमान चालीसा, यानी मुझे लगता है कर्नाटक प्रधानमंत्री मोदी की चर्चाओं में काफी है। आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह से वहां का चुनावी समीकरण इस वक्त दिख रहा है आपको, और प्रधानमंत्री के ये बयान किस तरह कर्नाटक से ज्यादा जुड़ते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 25 सीटें जो है बीजेपी ने खुद जीती थी, एक मंडिया की सीट थी जहां पे निर्दलीय उम्मीदवार सुमलता अम्बरीश लड़ी थी और उनको बीजेपी का समर्थन कुल मिलाकर जो थी 26 सीटें बीजेपी के पास थी, एक कांग्रेस और एक हासन की सीट प्रज्वल रेवन्ना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं, यानी कि 26 सीटें उनके पास थी। लेकिन फिर हालात बदल गए, यहाँ पर हमने देखा पिछले साल जब विधानसभा चुनाव हुए तो किस तरह से कांग्रेस को जो है बहुमत मिली यहाँ पर, और कांग्रेस की जो गारंटी स्कीम है वो काफ़ी अच्छी साबित हुई कांग्रेस के लिए वो गारंटी स्कीम, और लोगों ने भी उसको पसंद किया, मुफ्त बिजली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सफ़र हो रही है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तब स्थानीय मुद्दों से ज़्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर ही नज़र रहती है, ये हम देखते हैं, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज होता है विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है, कुछ दिन पहले ही उन्होंने यहाँ पे दो रैलीज की, दोनों जो है फर्स्ट फेज में ही इलेक्शन हो रहे हैं, चिकबलापुर और बैंगलोर। बैंगलोर की अगर हम सबसे पहले बात करें तो बैंगलोर की चार सिटी होती हैं, बैंगलोर दक्षिण, बैंगलोर सेंट्रल, बैंगलोर उत्तर और बैंगलोर रूरल। अगर हम इन चार सीटों की बात करें, पिछली बार चार में से तीन सीटें जो थी बीजेपी के पास थी, जिसमें बैंगलोर दक्षिण जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है जहाँ से अनंत कुमार जी चुनाव लड़ते थे, 6 बार उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था और कभी नहीं हारे थे। उसके बाद तेजस्वी सूर्या ने लड़ा, उन्होंने भी पहला चुनाव जीता और अब दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो तीन सीटें जो है अभी फिर से बीजेपी को जाएंगी ऐसा लग रहा है। बैंगलोर रूरल की अब हम बात करें तो वही एक सीट थी पिछली बार जो कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जीती थी 28 में से, और वहां से चुनाव कौन लड़े थे? डीके सुरेश जो कि उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार के भाई है, लेकिन इस बार वहां पर भी टक्कर सख्त है क्योंकि वहां पर जो है बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है डॉक्टर सी मंजुनाथ। डॉक्टर सी मंजुनाथ जो है पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के दामाद है और काफ़ी बड़े कार्डियोलॉजिस्ट माने जाते हैं वो, कर्नाटका के ही नहीं बल्कि पूरे देश के, यहाँ पे वो डायरेक्टर भी रहे हैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में, कुछ दिन पहले वो रिटायर हुए और सीधे पॉलिटिक्स ज्वाइन किया और अब चुनावी मैदान में, तो उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी ज़्यादा है, लोग उन्हें मानते हैं। एक तो देवेगौड़ा जी के दामाद है, बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका अपना एक व्यक्तिगत जो ये है करिश्मा है वो रहा है एज अ डॉक्टर भी, तो लोग उन्हें जानते हैं। तो यहाँ पर भी कड़ी टक्कर दिख रही है इस बार बैंगलोर रूरल में, आसान नहीं होगा डी के सुरेश के लिए इस बार। लेकिन अगर हम कुल मिलाकर बात करें जो 25 सीटों की अगर बात करें तो इस बार थोड़ा मुश्किल लगता है वैसे ही वापस आना, क्योंकि जो गारंटी स्कीम है कांग्रेस की वो थोड़ा काम कर गई। दूसरी बात अगर हम देखें, जब जब भी बीजेपी ने मुद्दे उठाए हैं हिजाब को, या हमने देखा पिछले चुनाव में बजरंग बली का, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं होता ऐसे मुद्दों का। लेकिन अगर प्रधानमंत्री रैली करने आते हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर जब बात होती है चुनाव की, तो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट ज़रूर देते हैं, लेकिन इन मुद्दों की वजह से नहीं, विकास के मुद्दे जो होते हैं उनको देखकर लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश को आगे लेंगे। तो
उस एक मुद्दे पर जो है लोग प्रधानमंत्री को वोट देते हैं। यहाँ पर ये हमने पिछली बार भी देखा, ये हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, कई सीटों पर हम गए, उम्मीदवार को लोग पसंद नहीं कर रहे थे लेकिन कह रहे थे ये जो है बीजेपी से है, प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी से है, लिहाजा हम वोट उनको ही देंगे। तो कहीं ना कहीं वो करिश्मा अब भी बरकरार यहाँ पर है और यही वजह है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा कोई यहाँ पर गेन इस बार कांग्रेस को होगा। 7 से 8 सीटें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ पर जीत सकते हैं इस बार, क्योंकि गारंटी स्कीम काफ़ी लोकप्रिय है, लोग पसंद कर रहे हैं उनको। यहाँ पर अगर हम गांव देहात में जाए तो महिलाओं को बिजली का पैसा नहीं देना पड़ रहा है, मुफ्त बस राइड मिल रही है, जो महिला हेड है फैमिली की उसे 2000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट ज़रूर हमको दिख रहा है गाँव देहात में पड़ते हुए, लेकिन ज़्यादा गेन होगा ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। और अगर हम इन 14 सीटों की बात करें तो इन 14 सीटों में जो है मंडिया से लड़ रहे हैं HD कुमारस्वामी, खुद इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, 3 सीटें हैं जो दी गई है JDS को यहाँ पर, तो वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं खुद, तो ऐसे में लग रहा है कि वो एक बार फिर यहाँ से जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मंडिया जो है वोकलिगा डोमिनेट बेल्ट है और वोकलिगा समुदाय की अगर हम पार्टी की बात करें तो पार्टी उनकी जो है JDS है। हालांकि अब BJP और कांग्रेस में भी उनके नेता आए हैं, खुद DK शिवकुमार जो है वोकलिगा समुदाय से है, लेकिन अब भी जब बात होती है वोकलिगा समुदाय की सबसे पहले बात होती है HD देवगौड़ा के परिवार की और JDS की। तो कहीं ना कहीं मंडिया में जो हम देख सकते हैं HD कुमारस्वामी फिर जीत सकते हैं। वही बात हासन है दूसरा, जहां से HD देवगौड़ा आते हैं वहाँ पर उनका पोता प्रज्वल रेवाना एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर इस बार जो है फाइट बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि हमने देखा है वहाँ पर किस तरह जो है सियासी गणित बैठा है, क्योंकि नेता जो है वो आपस में मिल गए हैं लेकिन कार्यकर्ता जो होते हैं, जब गठबंधन किया BJP और JDS ने तो सारे नेता मिल गए आपस में, लेकिन कार्यकर्ता क्या मिले हैं या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हासन एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा JDS और BJP एक दूसरे के विरोधी रहे हैं, और अब जब दोनों ने गठबंधन किया है तो क्या वो मैसेज ग्राउंड लेवल तक गई है, क्या BJP के कार्यकर्ता JDS को सपोर्ट करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि HD देवगौड़ा हासन से आते हैं, उनका पूरा परिवार वहां से है और वहीं पर जो है हमेशा लड़ाई रही है BJP और JDS के बीच में, कार्यकर्ता हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़े हैं, तो वहां पे क्या इस बार कार्यकर्ता सपोर्ट करेंगे या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर हम बाकी सीटों की बात करें, JDS को कोलार की सीट दी गई, वहां पर कांटे की टक्कर है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस फेज में 14 सीटें जो है जिनका चुनाव होने वाला है 26 तारीख को, यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा एज देखने को मिल रहा है, 5 से 6 सीटों पर देखने को मिल रहा है कि वो शायद जीत सकती है, कांटे की टक्कर है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इन सीटों पर क्या होगा। मगर एक बात तय है कि एक बड़ी जीत की तरफ जो कांग्रेस दावा कर रही है कि एक बड़ी जीत उनको मिलेगी, वो वैसा नहीं दिख रहा है, वैसा नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी जीतेंगे। मैं अभी अभय जी, हालांकि हमारे साथी मोहित जुड़ गए हैं, हम उनका भी इंतजार कर रहे थे, वो के वहां लंबे समय तक केरल में थे, उनके पास मैं जाऊंगा, लेकिन पहले अभय जी आपको आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब 15% वोट किसी पार्टी के पास आ जाता है तो वो भले ही जीता नहीं रहा हो, लेकिन ऐसे राज्य में जब हम केरल की बात करते हैं तो केरल में नेक टू नेक चुनाव होता है, यानी LDF और UDF के बीच में बहुत कम अंतर होता है और वहां जरा सा टिल्ट किसी का भी किसी को पार्टी को 19 सीट तक दिला देता है 20 में से। अगर मैं उस तरफ जाता हूं तो संघ की सबसे ज्यादा इकाई वहां है, RSS की सबसे ज्यादा शाखाएं वहां है, CPM के साथ आज से नहीं 60 सालों से अलग अलग जिलों में अगर देखते हैं खूनी संघर्ष खासतौर से उत्तर केरला में है, 200 लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें मर चुके हैं, हजारों लोग घायल हो चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, डाटा क्या कहता है कि 15% के बाद क्या ये पार्टी ये दावा कर सकती है जो विधानसभा में 2021 के एक भी सीट पर नहीं लाई, जबकि 6 सीटों पर 2016 में दूसरे नंबर पे थी, लेकिन 2021 में वो 9 सीटों पर दूसरे नंबर पे रही, लेकिन श्रीधरन जैसा चेहरा जीत नहीं पाया, तो आपको क्या लगता है, डाटा आपको क्या बताते हैं? देखिए पुडीर साहब, ऐसा है कि अब जो इलेक्शन है केरल का या अब बहुत जगह का, और केरल और कर्नाटक जैसा कि अभी हम लोग के मित्र ने बात किया, तो वह बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया है, कंप्लीटली बाइपोलर कॉन्टेस्ट। कैसे बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो गया, पहले मैं कर्नाटका की बात बताता हूँ कि जिन 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है
उसमें पिछले चुनाव में 2019 में इन सीटों पर 241 उम्मीदवार खड़ा हुए थे और 213 का जमानत जब्त हुआ था, 28 उम्मीदवार ही जमानत बचा पाए थे। मतलब कि जीतने और हारने वाले के अलावा सभी सीटों पर तीसरे उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई थी। केरल में आते हैं तो केरल में इन 20 सीटों पर, केरल के सभी 20 सीटों पर 2019 में 227 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था और 180 उम्मीदवार का जमानत जब्त हुआ था। मतलब कि सिर्फ 47 उम्मीदवारों का जमानत बचा था, जीतने वाले और हारने वाले के अलावा सिर्फ 7 लोगों का जमानत बचा था पूरे राज्य में। मतलब कि कम्युनिटी पोलराइज है, या तो इस तरफ या उस तरफ। तो इस तरह की जो परिस्थिति केरल में है, या ऐसी परिस्थिति में किसी तीसरे पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होता है अपना पैठ बनाना। तो इसी का बारी हुई वह बीजेपी है कि बीजेपी को एक खास कम्युनिटी वोट करना चाहती है, खास वोटर का वर्ग है जो वोट करना चाहता है, लेकिन इलेक्शन के दिन फिर जीतने और हारने वाले के पैटर्न पर बदल जाता है। तो बीजेपी के कई एक नेता लोग बोलते भी सुने गए हैं कि वहां पर जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है उसका हम शिकार होते आए। अब हम थोड़ा सा आपको केरल की पॉलिटिक्स पर जो मेरे कुछ विचार है वो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, कांग्रेस पार्टी 44 सीट थी 2014 में और 52 सीट गई ड्यू टू केरल। केरल से उसको 7 या 8 सीट का फायदा हुआ था और सिर्फ जो अपना सीट का टैली 44 से 52 गई थी सिर्फ केरला के कारण, क्योंकि वहां पर 2014 में 8 सीट आया था और इस इलेक्शन में 15 सीट आया था। एक सीट हारी थी अल्फूजा की सीट, वह 10,000 वोट से लगभग हारी थी। तो कांग्रेस के लिए वहां कोई बहुत संकट वाली बात नहीं है। पिछले बार क्या हुआ है कि राहुल गांधी गए और राहुल गांधी ने सबसे अधिक वोट से, केरल में जो 20 सीटें हैं सबसे अधिक वोट से राहुल गांधी 4,31,000 वोट से चुनाव जीते थे। तो कहने का यह है कि उसका कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट किया कि देखिए हम 8 सीट जीते थे, राहुल गांधी हमारे नेता गए, उसके कारण हमको 15 सीट वहां जीतने को मिला। तो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करके भी लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ वहां की राजनीति में एक और पहलू है जिसके बगैर हम आगे बढ़ गए तो थोड़ा सा अतिशोक्ति होगी कि राहुल गांधी के वहां से जाने के बाद IUML का कद एकाएक बहुत बड़ा हो गया है। IUML आज के डेट में कांग्रेस पार्टी को डिक्टेट कर रही है, ब्लैकमेलिंग की स्थिति में ला दिया है। राहुल गांधी का जो वायनाड लोकसभा सीट है उसमें 7 विधानसभा सीट है, उसमें 2 सीटों पर IUML का अच्छा खासा प्रभाव है। अब क्या होता है कि राहुल गांधी को वायनाड सीट अगर जीतना है, पहले भी जीते हैं और अगर आगे भी जीत रहा है, इस बार फिर कैंडिडेट आगे जीत रहा है, तो उनको IUML को किनारे करके चल नहीं सकते हैं। और मैं बता रहा हूं कि IUML ने इसका फायदा कैसे उठाया है। तो IUML ने फायदा उठाया है कि रामनाथपुरम सीट पिछले बार उसने ले लिया कांग्रेस से, मतलब कांग्रेस अलायंस में तमिलनाडु की सीट पर के लिया। आज से पहले रामनाथपुरम सीट पर चुनाव लड़ने का उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। IUML ने देखा कि राहुल गांधी अब आ गए हैं, अब हमसे उनको काम पड़ने वाला है, तो क्यों नहीं अपना कद बढ़ाए। तो उसने क्या किया कि बगल के राज्य तमिलनाडु में रामनाथपुरम का सीट 2014 में लिया और इस बार भी लिया है। तो कहने का अर्थ है कि वो ब्लैकमेल कर रही है और ब्लैकमेलिंग की स्थिति में और ब्लैकमेल कर रही है। उसके बाद भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए वहां पर क्या है कि एक राजनीति में वहां की एक नई बात आई है। मैंने पहले भी आप ही के साथ चैनल पर बोला था, फिर बोल रहा हूं और आगे भी बोलूंगा कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहां कांग्रेस का एक सेक्शन तिरुवनंतपुरम सीट जो बीजेपी 2 बार से थोड़े मतों से हारती है, 2014 बहुत कम मतों से हारी थी, इस बार जीतने की संभावना इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कैडर्स का एक खास वर्ग है जो शशि थरूर को हराने का प्रयास करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उन्होंने गांधी परिवार के जो कैंडिडेट थे मल्लिकार्जुन खड़गे उनके खिलाफ अपने प्रेसिडेंट के पद का के लिए उन्होंने एक किया था, कैंडिडेचर पुट किया था। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यह भी है कि आने वाले समय में राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ ही रिवोल्ट कर सकते हैं। तो एक ऐसा भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो अच्छा, एक और आखिरी की अगर बात करें तो जैसे कितना वहां की राजनीति में परिवर्तन होता है उसका अंदाज देखिए कि 2019 में कांग्रेस पार्टी ने 96 असेंबली सीट पर बढ़त बनाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 140 सीट जीता लाना था 96 पर, और वह विधानसभा में सिर्फ 21 सीट जीत पाई थी। जो CPM 16 सीट पर लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाई थी वह 62 सीट जीत गई। तो वहां पर काफी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ, तो वहां के वोटर्स इसके एडिक्टेड है। तो देखना है आगे क्या होता है, लेकिन मेरा भी जैसे कि हम लोग को बताया गया बीजेपी के लिए अच्छी 3-4 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छा वोट लाया था। और फिर जी जी पुंडीर साहब जी, मोहित मैं आपके पास आऊं तो, लेकिन मुझे आपसे सवाल पूछने पे 2 लाइनें याद आ रही हैं पीरजादा कासिम साहब की कि ला खुशनुमा दुनिया बाहमी ताल्लुक को दोस्ती कहे लेकिन दोस्ती समझा ना जाए। जब चुनाव शुरू हुआ तो कहा कि ये एक फाइट होगी दोस्ताना,
मतलब सीपी, चूंकि वो इंडी गठबंधन में भी शामिल है, पूरी लड़ भी रहे हैं, लेकिन जो एक दोस्ती कहा गया था वो अब इस पर आ गया कि वापस अमूल बेबी, राहुल गांधी को याद होगा आपको, अच्युतानंदन जी जो सीपीएम के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने इनको अमूल बेबी कहा था और बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था उसके बाद। तो अब फिर एक अनवर जो है उन्होंने डीएनए टेस्ट करने की बात कही, और लगातार इस समय एनी राजा को केवल न केवल खड़ा किया है वहां, डी राजा की वाइफ को, बल्कि पूरी ताकत के साथ इस समय सीपीआई सीपीएम तमाम पार्टियां राहुल गांधी पर पिल पड़ी हैं। इसमें दो बातें आ रही हैं जो मैं आपसे समझना चाहता हूं, दोनों बातें। एक तो ये कहा गया कि ये दोनों जानबूझ के साथ नहीं लड़ रहे हैं, अगर साथ मिलते तो सफाया कर देते, ये जानबूझ के साथ नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि सीपीआईएम का जो वोट है वो अल्पसंख्यक वोटर से नहीं आता था, ज्यादातर वो हिंदू वोटर जो 60% के करीब था, अब तो 56 के करीब है या 50% के करीब है, उन्हीं में वो अपने वोट ढूंढती है। दूसरी तरफ कांग्रेस को जो सबसे ज्यादा वोट मिलते थे वो अल्पसंख्यक वोट मिलते थे, तो उन्होंने ये एक नई रणनीति ये मानी गई कि अगर ये एक साथ मिलके लड़ते हैं तो एक पूरा स्पेस बीजेपी के लिए खाली हो जाएगा, और वो जब विपक्ष में आ जाएगी पार्टी तो फिर जल्दी सत्ता में आ जाएगी, और राहुल गांधी को बचाने के लिए जरूरी था कि एक दूसरे पर हमला बोलें। तो एक तो वो आइडिया है कि क्या ये ऐसी लड़ाई थी, एक दूसरा आइडिया ये आया कि आपस में जो लड़ रहे हैं वो कम्युनिस्टों की भी मजबूरी है, क्योंकि सिर्फ 3 सांसद हैं, सिर्फ 3 सांसद, अगर वो इस बार जीत के यहां से नहीं पहुंचते हैं तो कम्युनिस्टों की संसद से जो एक रिप्रेजेंटेशन है वो भी गायब हो सकता है। दूसरा, कांग्रेस जो है जो 44 से 52 तक पहुंचने के सफर में ही जिसको 7 सीटों का यहाँ फायदा हुआ था, अगर वो हट जाती है तो इसी फेज के बाद उसके पास बहुत उम्मीद नहीं रहती, क्योंकि कर्नाटक और तेलंगाना की जीत ने उसको एक मोमेंटम दिया था, लिहाजा वो चाहती है उसको बनाए रखे। आप किस थ्योरी को ज्यादा सही मान रहे हैं? देखिए धीरेन जी, आपने बड़े दिलचस्प पहलुओं को अंकित किया है, और निश्चित तौर पर देखिए अगर हम राहुल गांधी के वायनाड के बारे में बात करें तो हम केरला जो गए थे, हम केरला में त्रिवेंद्रम उतरे थे और त्रिवेंद्रम से हम बाय रोड वायनाड गए थे, यानी नॉर्थ गोवा से, साउथ गोवा से हमने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, मध्य गोवा होते हुए हम नॉर्थ गोवा पहुंच गए, नॉर्थ केरल पहुंच गए, माफ करिएगा। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी को चुनौती एनी राजा किस रूप, जी बिल्कुल केरल की बात कर रहा हूँ, माफ चाहता हूँ। तो हम जब साउथ केरल से निकले और मध्य केरल होते हुए जब उत्तर केरल पहुंचे तो आपको बताएं कि तमाम ऐसी सीटें थीं जहां पर कांग्रेस पार्टी लड़ती हुई नजर आई। हम अलप्पी भी गए, हम कायनकुलम भी गए, हमने कायनकुलम में वो हम उस सीट पे भी गए, अलापुरा की उस सीट पे जहां पर कांग्रेस नहीं पहले नहीं जीती थी, वहां पर केसी वेणुगोपाल चुनाव लड़ रहे हैं, केसी वेणुगोपाल यानी संगठन के महासचिव, वो वहां से वो ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वायनाड बड़ा दिलचस्प है इस बार। देखिए वायनाड के सियासी समीकरण को समझिए, 40% हिंदू है, 40% मुसलमान है और 20% क्रिश्चन है, और ये जो हिंदू खासतौर पर हम 40% उसको अलग कर दें तो 40% मुसलमान और 20% ईसाई, अगर ये 60% एक साथ हो जाते हैं तो कोई भी खासतौर पे जो भी उसके पक्ष में हो जाता है तो चुनाव जीतता हुआ नजर आता है। राहुल गांधी, आपको बता दें कि पिछली बार की तुलना में इस बार उन्होंने 4 से ज़्यादा रोड शो किए थे और कई बड़ी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया, प्रियंका गांधी के साथ तमाम बड़े नेता वायनाड पहुंचे, उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में प्रचार किया। एनी राजा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको एक चुनौती देती हुई वहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन एनी राजा से हमने ये सवाल पूछा, हमने वायनाड के भीतर एनी राजा सवाल पूछा कि अब इंडिया घटक दल की बैठक में जब आप डी राजा जाते हैं तो वहाँ पे जो है दोस्ताना नजर आता है, एक दूसरे के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन आप उनकी पत्नी है और वायनाड में उनके सामने खड़ी हो जाती है इंडिया घटक दल के सबसे बड़े नेता के खिलाफ, तो उनका ये कहना था कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, यानी हम अपने अस्तित्व के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हमें चुनावी मैदान में उतरना है, हमारे पर्सनल व्यक्तिगत संबंध अलग हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी पे सीधे तौर पे वो अटैक करते हुए वहाँ पे नजर नहीं आती हैं, वहाँ पे भी वो एक दो सवाल उठाती हैं, वो ये कहती हैं कि राहुल गांधी लोकसभा के भीतर उस रूप में ज़्यादा वायनाड के मुद्दे नहीं उठा पाए जिस रूप में उठाना चाहिए। जानवरों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आपको बता दूं कि जम्बो इशू वहाँ पर बहुत बड़ा है,
वहाँ पे जंगली हाथी आते हैं, रिहायशी इलाकों में जाते हैं, स्थानीय लोगों को जो है वो पर अटैक कर देते हैं और उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है विगत कुछ सालों में। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है और उस मुद्दे को एनी राजा लगातार उठाती हुई नज़र आ रही हैं और वो कहती हुई नज़र आ रही हैं कि भाई राहुल गांधी ने इस इशू को नहीं उठाया है, भारतीय जनता पार्टी ने इस इशू को रिजॉल्व नहीं किया है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। हॉस्पिटल का वायनाड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि वहाँ से आपको बता दें कि कर्नाटक या तमिलनाडु जाना पड़ता है अच्छे इलाज के लिए, या उसको त्रिवेंद्रम या अलप्पी की तरफ उसको रुख करना पड़ता है। तो एक अस्पताल का बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पे है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी क्या पिछली बार की तुलना में इस बार उनके सामने चुनौती जो है आ रही है, क्या इस बार राहुल गांधी पुरानी यानी पिछली सफलता को दोहरा पाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा धीरेन्द्र जी कि 65% वोट राहुल गांधी को मिला था और इस बार राहुल गांधी की यही कोशिश है कि इस जो है 65% को बरकरार रखा जाए। तो राहुल गांधी लगातार वहां पे मेहनत कर रहे हैं, तमाम इश्यूज को एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन धीरेन्द्र जी एक बात बहुत दिलचस्प है, राहुल गांधी वहां पे एलडीए पे निशाना साधते हुए नजर नहीं आते हैं, राहुल गांधी वहां पे केंद्र सरकार पे हमला बोलते हुए नजर आते हैं, अपने मैनिफेस्टो की बात करते हैं, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की वहां पे बात करते हैं। और न्यूज नेशन इकलौता चैनल था जिसने राहुल गांधी का इंटरव्यू वायनाड में किया था, मैंने उनका इंटरव्यू वहां पे किया था, छोटा इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे ही सवाल उठाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ उन्होंने ये बात कही थी कि जो है इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा मुद्दा है, हम इसकी जांच कराएंगे। इसके साथ ही साथ अपने मैनिफेस्टो की बात करते हुए नजर आते हैं। यानी अभी भी राहुल गांधी सीधे तौर पे अटैक वहां पे सीपीएम पे नहीं करते हैं, सीपीआई पे नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पे करते हैं। अगर हम 20 सीटों के समीकरण को वहाँ पे समझें तो देखिए, त्रिवेंद्रम से अगर आप वहाँ से वायनाड तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक सीट ऐसी बसती है अलप्पी वाली, यानी अलापुरा वाली सीट बसती है, वहाँ पर कांग्रेस नहीं जीती थी। तो इस बार केसी वेणुगोपाल को उतार कर कांग्रेस पार्टी की यही कोशिश है कि 20 में से 20 सीटें जीती जाए और दिल्ली के रास्ते को आसान बनाया जाए। जी मैं आ रहा हूँ आपके पास श्री दत्तन साहब, ये बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने बताई जो मैं भी कह रहा था कि वो एलडीएफ पे हमला नहीं बोल रहे हैं, वो वहाँ भी बीजेपी को कह रहे हैं, उधर सारे करप्शन के चार्जेस लगते हैं इस समय जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो सोना तस्करी वाला मामला हो या एक बैंक का कोऑपरेटिव बैंक का मसला हो, सब चीज़ें हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं एक दूसरे पर, आरोप केंद्र सरकार पर लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर यह कह रहे हैं कि आप फासिस्टों से लड़ नहीं रहे हो, आप सीए का विरोध नहीं कर रहे हो। यहां तक कि सीपीएम ने, मतलब लेफ्ट ने कहा है सीधे तौर पर कांग्रेस को कि साहब आपने अपने घोषणा पत्र में सीए को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं है। तो जो लड़ाई दिख रही है उसमें दो चीजें हैं, एक तो बाद की संभावनाएं बचाए रखने वाली हो सकती है जो मुझे लगता है कि बहुत कम बड़ी बात है, लेकिन दूसरी चीज ये लग रही है कि किसी भी तरह मुस्लिम वोट बैंक, जिसकी आप बात भी कर रहे थे, जो कासरगोड में 30.8% है, कन्नूर में 26%, वडकारा में 31%, कोझिकोड में 36%, वायनाड में 41%, मल्लापुरम में 68%, पोन्नानी में 62% और पलक्काड में 29%, यानी इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा वोट बैंक है जिसको लेने के लिए वो एक दूसरे की बजाय सीधे बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है। और मुझे लगता है, जो मैं आपसे इस सवाल में, ये दोनों सवाल जरूर आपसे समझना चाहूंगा कि क्या आपको भी ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो टोंक से भाषण दिया या जो भी हनुमान चालीसा है, उसका लक्ष्य भी वहां उस जो हम लोगों ने पिछली बार जिस पर बात की थी कि सायरा जो कैथोलिक संस्था है, सायरो मालाबार चर्च, उसको इशारा है, और साथ ही साथ वो जो हिंदू वोट बैंक है उसको इशारा है। आप इस पूरे को किस तरह से इस परिपेक्ष में हमको समझा सकते हैं? आप बिल्कुल सही बोला है, वो यू हिट ऑन द हेड ऑफ द नेल। एक्चुअली आपने सही बोला था, ये जो फाइट है सीपीएम का भी हो और कांग्रेस का भी हो, वो मुसलमान वोट वो कॉन्सेंट फोकस करके कैंपेन उनका है, क्योंकि बीजेपी को डरा, वो उनको डरा के वो कहीं ना कहीं वो उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो लोग। पर आपने देखा होगा पिछले दो दिन से, वो अनवर का भी आपने जिक्र किया था, तो अनवर का स्टेटमेंट, तो वो इसलिए हो रहा है कि बिकॉज ये जो
अनविटिंगली और विटिंगली दे हैव गिवन, उन्होंने बीजेपी को स्पेस दे दिया। तो अभी बीजेपी वर्सेस रस करके उभर के फाइट जो है उभर के आ रहे, उसको चेक करने के लिए उन्होंने कहा कि अभी पिणराई विजयन भी कांग्रेस को अटैक करना शुरू कर दिया है भी दो दिन से, तो ये भी हो रहा है। पर अभी जो उनके बीच में जो है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये बीजेपी का जो इमरजेंस है, एक्सेप्टेंस है अमंग द क्रिश्चियंस स्पेशली, दैट हैज अनर्वड बोथ ऑफ देम। वो है आपने ये जो पिछले बार भी हमने बताया था वो लव जिहाद का इश्यू अमंग क्रिश्चियंस वो बहुत हॉट इश्यू है। आपने देखा होगा वो सारा चर्चेस वो केरला स्टोरी को दिखा रहे थे। अभी एक पिछले दिन एक चर्च का लेटर आया था, उनका उनका जो ऑफिशियल पब्लिकेशन में उन्होंने कहा कि पहले अभी तक हम बीजेपी को अस्पृश्यता से देखते थे, पर ऐसा नहीं है, बीजेपी कोई बीजेपी अच्छा काम कर रहे हैं और नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी और गोवा में भी, सभी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन के साथ मिलके कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है केरल में भी हम उनके साथ मिलके काम करना चाहिए, ऐसे करके हम अपने को वंचित नहीं रखना चाहिए, ऐसे करके उन्होंने एक अपने पब्लिकेशन में एडिटोरियल लिखा था। तो ये है वहां का पॉलिटिक्स अभी जो उभर के आ रहे हैं। तो वो ये तो सीपीएम को ये लग रहा है कि इफ कांग्रेस इज मैनेज टू गेट ऑल द मुस्लिम वोट्स देन सीपीएम विल बी इन द थर्ड पोजीशन। आपने देखा होगा कई सभी जगह पे जहां पर बीजेपी सेकंड आया है वहां सारा सीपीएम थर्ड पोजीशन में गया है, उनका सारा वोट शिफ्ट होते दिख रहे थे। वो त्रिवेंद्रम में भी हो, तिरुवनंतपुरम में भी हो, बाकी जगह पे भी हो, वो वहां पर उनका वोट शिफ्ट हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा वहां पर एक और मुद्दा आ गया है, वो त्रिशूर में वहां पर जो मंदिर में सबसे केरल का एक प्राइड फेस्टिवल होता था, वो बहुत दिलचस्प होते थे त्रिशूर पूरम, वहां पर कम्युनिस्ट वालों ने जो वहां पर वो उनका जो फेस्टिवल जो उसको रोका गया था। तो इतना गुस्सा है लोगों में, हिंदुओं में स्पेशली, तो इस वजह से वहां पर एक हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है वो, और क्रिश्चियंस भी पास आ रहे हैं, इसमें सीपीएम के लिए एक बड़ा सा थ्रेटन फील हो रहा है, दे आर फीलिंग द थ्रेट। तो इसलिए आजकल आपने देखा होगा दो दिन से वो कांग्रेस को अटैक कर रहे हैं। तो वो दैट इज द सिचुएशन। वो दोनों आप एक दिलचस्प बात वहां पर है, वो सीपीएम चार सीट के लिए बचाने के लिए, अभी पिछले बार एक था, इस बार दे वांट फोर सीट्स। वो कांग्रेस अपने 40 सीट बचाने के लिए चक्कर में है, बीजेपी वहां पर फाइट कर रहे हैं 400 पार करने के लिए। तो ये चार का खेल वहां पर हो रहा है, तो आप देखिए वो उस हिसाब से। अच्छा एक सवाल और छोटा सा एक जवाब आपसे मैं चाहूंगा, क्योंकि एक चीज ये भी आ रही है, क्योंकि पहले क्या होता था सीपीएम को कभी भी जो अल्पसंख्यक है खासतौर से मुस्लिम वोट नहीं मिलता था, वो कांग्रेस का डेडिकेटेड वोट था, लेकिन 2021 के चुनाव में उसने काफी हद तक इनको वोट किया है, यानी यहां तक कि जो उस समय अगर हम लोग उसको डाटा में देखते हैं तो उसने काफी बड़ी संख्या में इनको वोट किया है। नॉर्मली 2019 में बात करें तो 65% मुस्लिम्स ने यूडीएफ को वोट किया था, लेकिन अगर 2021 के चुनाव की बात करें तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि जैसे शिफ्ट कर रहा हो मुस्लिम। तो आपको लगता है कि कांग्रेस वहां थोड़े दिन बाद रिडंडेंट हो रही है, क्योंकि इस बार भले ही वो चूंकि केंद्र में लेफ्ट नहीं है इसीलिए शायद मुस्लिम वोट केंद्र में जब लोकसभा होता है तो उसको मिलता है कांग्रेस को, लेकिन इन्हें ग्राउंड पे आपको लगता है कि ये पोजीशन आ सकती है कि धीरे धीरे कांग्रेस वहां से भी गायब हो रही हो, और चूंकि लेफ्ट तो वैसे ही बाकी सब जगह से गायब हो चुका त्रिपुरा और बंगाल से, आपको ऐसा लगता है? आप देखिए वो वहां पर मुस्लिम का वोटिंग पैटर्न भी
डिफरेंट है। आप नॉर्दर्न केरला में देखिए तो वहां पर यूडीएफ के साथ है मुसलमान वोट, और साउथ केरला में वहां पर उनका परसेंटेज बहुत कम है, कई आप देखिए फिर भी अभी बढ़ रहा है वहां पर भी, पर वहां पर नॉर्मली सीपीएम के साथ जाते दिखते थे पहले, उनका जो पॉकेट्स में वगैरह वो वहां पर होते थे। पर पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है, सिस्टमैटिकली सीपीएम ने वहां पर जो रेडिकल एलिमेंट्स है, पीएफआई हो एसडीपीआई हो, उनके साथ कई जगह पे लड़ाई भी है, उनका उनका आदमियों को मारा भी था, फिर भी उनके साथ इलेक्ट्रल अलायंसेस होते थे। अब कई जगह पे इवन त्रिवेंद्रम में भी एसडीपीआई के साथ है, कई पंचायत है एसडीपीआई पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है उनके साथ उनका उनके साथ अलायंस है। तो वो सिस्टमैटिकली वो जो वो मुस्लिम लीग के खिलाफ जो होते थे, वो अल्ट्रा एलिमेंट्स जो होते थे, मुस्लिम लीग को लिबरल मानते थे, लिबरल मुस्लिम्स मानते थे, पर उससे जो कट्टर वाले एलिमेंट्स हैं उनको सीपीएम सिस्टमैटिकली कैटर करते थे। तो पीएफआई के लिए भी उन्होंने पीडीपी जो है कोयंबटूर ब्लास्ट में जो इन्वॉल्व है मदनी अब्दुल नासर मदनी, उनको उनको रिलीज करने के लिए कैंपेन भी किया था उन्होंने। तो उस हिसाब से वहां पर ये जो रेडिकल एलिमेंट्स को उनको कैटर कर देते थे एंड अग्रेसिवली बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। और पर इसके वजह से क्या हो रहा था, वो इस बार उनको मुसलमानों को भी पता है कि ये सीपीएम को खास कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए दे आर ऑल्सो शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूडीएफ दिस टाइम। उन्होंने एसडीपीआई ने भी ओपन स्टेटमेंट दिया था कि हम इस बार यूडीएफ को सपोर्ट करेंगे, तो उनको समझ में आ गया वो सीपीएम में एक हिंदुओं का एक शिफ्ट वो सपोर्ट वो धीरे धीरे बीजेपी के तरफ जा रहा है। आपने देखा होगा वहां पर सीपीएम का मेन स्टे जो होता था वो ईड़वा कम्युनिटी थी, ईड़वा कम्युनिटी जो है आज उनका शिवगिरी मठ का स्टेटमेंट आया था, एसएनडीपी जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी ओपनली सपोर्ट किया है बीजेपी को एनडीए को। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो हिंदू वोट भी उनके धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और मुसलमान जो इस बार पूरा का पूरा वो यूडीएफ के तरफ जा रहे हैं इस बार, वो सिचुएशन है वहां पर। जो श्री दत्तन साहब ने कहा उसमें चूंकि दर्शकों को बहुत थोड़ा जानकारी दे दूं काफ़ी लोगों को कि उत्तर केरल में जो चार जिले हैं वो कासरगोड, वायनाड और कन्नूर और कोझिकोड हैं। तो ये चार जिले हैं जहां अमूमन जो उन्होंने वोट परसेंट बताया कि उस तरफ मुस्लिम्स किस सपोर्ट करते थे यूडीएफ को। और इधर जो दक्षिण केरल है उसमें इडुक्की, कोट्टायम, अलापुजा, पथानामिटम, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम है, जो जहां वो साफ तौर पर सीपीआईएम को सपोर्ट करते थे इस तरह से, क्योंकि वहां बहुत कम संख्या, इधर के हिस्सों में जो अल्पसंख्यक है वो क्रिश्चियन अल्पसंख्यक ज्यादा है। लेकिन मैं यासिर के पास जाता हूँ। यासिर, केरल में उसमें कर्नाटक में जो पीएफआई के जो अभी भी आपने देखा होगा काफी सारे वहां अटैक्स हुए, चाहे वो एआईएस एक उसके आईएसआईएस के लोग पकड़े गए, ये तमाम चीजें क्या आपको लगता है चुनाव में मुद्दा है, या कर्नाटक में जिस तरह का जातीय गणित बैठता है, लोग अक्सर नॉर्दर्न इंडिया में ये मानते हैं कि वहां इस तरह का, लेकिन वहां जातीय संगठन ही एक दूसरे के साथ मिलकर सरकारों में ताकत देते हैं, तो आपको लगता है कि इस बार ये कोई मुद्दा है जो प्रधानमंत्री के बयानों से जिसका रिश्ता जुड़ता हो, चाहे वो पीएफआई पर बैन हो, या फिर मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि जैसे जेडीएस से विधानसभा में हमने देखा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, मुस्लिम वोट बैंक था, वो लगभग 5.5% के करीब सीधे तौर पर कांग्रेस में गया था। तो आपको लगता है कि ये जो रीअलाइनमेंट हो रहा है इसमें कोई कर्नाटक में नई चीज उभर के आएगी? फिर
जी देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें कर्नाटका की, अगर हम PFI की बात करें या रेडिकलाइजेशन की बात करें, तो इससे का जो असर है हम देख सकते हैं दक्षिण कन्नड़ा में इसका असर पड़ता है, वो काफ़ी कम्युनिटी सेंसिटिव है और वहाँ पे BJP का वोट बैंक रहा चुका है। कुछ नाराज़गियाँ ज़रूर थी वहाँ पे, लेकिन जब ये मुद्दे सामने आते हैं जो वो नाराज़ वोटर्स हैं वो वापस BJP की तरफ आते हैं। इसी तरह से हम शिमोगा की बात करें, शिमोगा जो रामेश्वरम बम धमाके में जो दो आरोपी पकड़े गए हैं वो दोनों जो है शिमोगा के तीर्थली के हैं, तो उसका असर वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो जाति बेसिस पे वोट डिसाइड नहीं करते हैं, वो मुद्दे ऐसे ही मुद्दों को लेकर वोट डिसाइड करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी नेशनलिज्म को लेकर है, तो उसका असर जो है सीधे ऐसे लोगों पर पड़ता है और वो यकीनन वो लोग जो है वो BJP की तरफ जाएंगे, लेकिन ये 3 से 4 सीटों पर ही जो है इसका असर पड़ेगा। बाकी जो समीकरण होता है कर्नाटक का, तो वो जातीय समीकरण हो रहा है और इस बार हम देख रहे हैं JDS और BJP एक साथ लड़ रही है। BJP का मकसद यही था कि वोकलिगा वोट को जो है अपनी तरफ लाया जाए, क्योंकि अगर हम कर्नाटका की बात करें यहाँ से सबसे ज़्यादा जब बात होती है समुदाय की तो लिंगायत समुदाय की बात होती है जो काफ़ी डोमिनेंट है पूरे कर्नाटका में। BS येडियुरप्पा वहीं से इसी समुदाय से हैं और यही वजह है कि हमने हमेशा देखा है कि लिंगायत समुदाय जो है BJP के साथ रही है। पिछले करीब 3 दशकों से पहले कांग्रेस के साथ थी, लेकिन फिर 1980 के बाद हमने धीरे धीरे देखा शिफ्ट होते हुए और लिंगायत समुदाय ही अब BJP की बैकबोन है। लेकिन साथ में जो वोकलिगा मिल जाते हैं तो BJP को बढ़त मिल जाएगी, ऐसा उनका अनुमान है और यही वजह है कि उन्होंने JDS के साथ गठबंधन किया है। लेकिन पिछले साल हमने देखा JDS के साथ ही जो है कांग्रेस ने गठबंधन किया था 2019 में यहाँ पर, लेकिन ना तो कांग्रेस को वोट मिला और ना ही JDS को, पूरे के पूरे वोट जो है BJP को मिला। 28 में से 26 सीटें BJP के खेमे में गई, एक कांग्रेस और एक जो है JDS की। तो वही मैं जो पहले भी कह रहा था कि नेता जो है हाथ मिला लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो ज़मीन पे काम करने वाले होते हैं क्या वो दिल मिला पाएंगे, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर जाति समीकरण है, जो जाति लड़ाइयाँ चलती है वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, गांव देहात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उनका मिलना जो है बहुत मुश्किल होता है। और अगर ये समीकरण ठीक बैठ जाता है इस बार तो BJP यकीनन वापस अच्छा परफॉर्म कर सकती है यहाँ पर, क्योंकि वोकलिगा समुदाय का वोट मिलेगा उन्हें, लिंगायत उनके साथ पहले ही है, SC जो है लेफ्ट वो उनके साथ है, तो उनको एक बड़ी जीत मिल सकती है। लेकिन फैक्टर यही रहेगा कि क्या वोकलिगा समुदाय जाएगा पूरा BJP के साथ, क्योंकि इस समय जो है अगर हम कांग्रेस की बात करें तो DK शिवकुमार एक बड़े नेता है और वो लगातार जहां पर जा रहे हैं प्रचार कर रहे हैं, तो खुद को एक मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे साथ दोगे तो मैं आगे जा सकता हूं। तो कहीं ना कहीं वो उस वोट को डिवाइड करना चाहते हैं, JDS को वोट को, उस समुदाय के वोट को, वोकलिगा समुदाय को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो अगर वो उसमें कामयाब होते हैं तो फिर से हम देख सकते हैं कि JDS और BJP ने जो गठबंधन किया है उसका ज्यादा फायदा उनको नहीं मिलेगा, जिस तरह से हमने पिछली बार देखा कि JDS ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया लेकिन दोनों को जो है 2 सीटें मिली थी। तो जाति समीकरण कर्नाटका में इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है और कोशिश यही रहती है राजनीतिक दलों की, तो जब बड़े बड़े नेता जो होते हैं इन जातियों को, उनको अपनी तरफ लाए, वो देखना होगा। अभी मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं कि अभय जी, कि क्या आपको लगता है कि जब इस तरह से गठबंधन बनते हैं और जो उनका जो वोटर है कोर वोटर, हालांकि यूपी में इस तरह की चीज़ें देखी जाती है नॉर्दर्न इंडिया में, वो साथ में आ जाता है अक्सर, है ना, आपको ये लगता है कि इसमें ऐसा होगा या नहीं? और दूसरा, ये जो चुनाव का फेज़ है, आपको क्या लगता है BJP के लिए इस फेज़ में जो जीत हासिल करना, खासतौर से बड़ी जीत हासिल करना साउथ में जरूरी है, नहीं तो उसका 400 पार का नारा सिर्फ नारा रह जाएगा? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि लिंगायत, जैसे कि अभी हम लोग के सहयोगी बता रहे थे कि लिंगायत ने जो कांग्रेस को वोट करना बंद कर दिया था, उसका कारण यह था कि 1989 में कर्नाटका 89 के आसपास असेंबली इलेक्शन हुआ, वहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी के वीरेंद्र पाटिल जी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड CM बनाए गए थे, विधायकों ने उनको CM बनाया और राजीव गांधी जी ने उनको हटा दिया था। उसके बाद से लिंगायतों का कांग्रेस से दुराव हो गया
और राजीव गांधी जी से भी गलती, मैं गलती क्या कहूंगा कि मतलब अगर वीरेंद्र पाटिल के बदले किसी अपने अपने समर्थक लिंगायत को चीफ मिनिस्टर बना देते तो लिंगायत का इतना जल्दी वो भंग नहीं होता। और वही लिंगायत जो कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी की तरफ आ गया, वही से बीजेपी का शुरुआत हुआ था, वही से बीजेपी को स्ट्रेंथन हुआ था। बीजेपी को ऐसा ही एक सपोर्ट की जरूरत है केरला में, जो राजीव गांधी जी के कारण उसको मिल गया था कर्नाटक में। अच्छा, और एक बात मैं बताऊं कि वह बोखा लिंगा और लिंगायत बहुत ही अच्छे और एग्रेसिव वोटर्स होते हैं, और ये दोनों मिल गए, मिल जाने के बाद वहाँ की राजनीति बहुत कुछ ये होता नहीं है, मैंने बहुत कुछ आ जाता है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन दोनों के आ जाने के कारण बीजेपी की स्थिति वहाँ अच्छी होगी। और डीके शिव कुमार के बारे में जो बात चल रही थी, उनके बारे में बताऊं कि देखिए वो विधानसभा तक तो सीमित थे, विधानसभा में बोकालिंगा लोगों ने उनके नाम पर जरूर कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन लोकसभा में उनको वोट देने का ऐसा मुझे तो पर्पस दिखाई पड़ नहीं रहा है। तो खैर ये तो रहा कर्नाटका की बात। अब अगर हम आगे की बात करें, एक बात मैं इसके कि साउथ कांग्रेस पार्टी के लिए कभी भी बहुत ही मुफीद जगह रहा है, क्योंकि 1977 में जब कांग्रेस पार्टी सिर्फ 154 सीट जीती थी तो 92 सीट यहाँ के राज्यों से आया था, साउथ के राज्यों से 154 में 92 सीट। अगर हम 1989 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 195 सीट जीती थी जिसमें 108 सीट इस राज्यों से आया था। तो कांग्रेस पार्टी को अभी तक बचाने में राज्यों का बहुत बड़ी भूमिका रही है। और मैं बताऊं कि समय समय पर इनके गांधी परिवार के लोग भी वहां से जाके चुनाव लड़ते रहे हैं, और राहुल गांधी पहले व्यक्ति है जो साउथ के किसी सीट से एक ही सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो इस परिवार में आज तक किसी ने भी दोबारा एक सीट से चुनाव साउथ से नहीं फाइट किया। एक बार मैं एक सवाल छोटा जरूर मोहित आपसे पूछूंगा, आपने पूरा ट्रेवल किया है मोहित, मैं मोहित के पास जा रहा हूँ। मोहित, आपने ये जो ट्रेवल किया है पूरा केरल में, आपका असेसमेंट क्या कहता है? बीजेपी वहाँ जितनी उम्मीद लगा रही है वो पूरी हो सकती है, या इस बार भी उनके हाथों सिफर दिखेगा वोट परसेंटेज भले ही कुछ हो? देखिए धीरेन जी, आपने महत्वपूर्ण सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में केरल के भीतर आखिर जाएगा क्या। देखिए मेहनत में कोई कमी नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूर में भी जो है रैली की, तिरुवनंतपुरम में भी उन्होंने नेताओं से मुलाकात की, जनसभाओं को संबोधित किया। तो प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के मैकेनिज्म की बात करें, तो सभी लोगों ने बड़ी मेहनत की है, उनको एक पुश की ज़रूरत है, लेकिन वो पुश यहाँ पर मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा जिस रूप में आज भारतीय जनता पार्टी चाहती है। 20 सीटें हैं और 20 सीटों पर जो मेरा आकलन है, आपको बता दें कि अभी भी कांग्रेस जो है बहुत जो है शानदार ढंग से चुनाव लड़ रही है, अच्छे खासतौर पर एक टेम्परामेंट के साथ चुनाव लड़ रही है, और केरल से ही कांग्रेस को उम्मीद है कि दिल्ली में बेहतर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी त्रिवेंद्रम में जो है तिरुवनंतपुरम में बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहाँ पर मुकाबला देखिए जो है पन्नियन है जो सीपीएम से, वो तय करेंगे कि कौन जीतेगा। अगर पन्नियन ने बढ़िया जो है ले लिया तो राजू चंद्रशेखर की जीत लगभग तय हो जाएगी। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा तिरुवनंतपुरम का मुकाबला। और इसके अलावा मलप्पुरम में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को, अब्दुल सलीम को उतारा है, वो भी चुनाव ठीक ठाक लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दो सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत आगे है।